दोस्तों आज से करीबन 20 साल पहले की बात है कि अगर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना पड़ता था या तो किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से जानना पड़ता था तो चीज़ों को सर्च करने में बहुत मुश्किल होती थी, या तो फिर कहीं दूर जाकर और काफ़ी पैसे खर्च करके मैगजीन और बुक खरीदने पड़ते थे, तब जाकर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों की नॉलेज मिल जाती थी। लेकिन फिर भी कभी कभी तो जिस चीज़ों के बारे में जानना पड़ता था वो पैसे खर्च करने के बावजूद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, और टेक्नोलॉजी ना होने के कारण बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम नहीं हो पाते थे। लेकिन आज 2018 में वो समय नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फेमस मल्टीलिंगुअल फ्री कंटेंट साइट विकिपीडिया के बारे में, जिसके मदद से आपको दुनिया की कोई भी नॉलेज किसी भी भाषा में और बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। जो कि आज पूरे विकिपीडिया में 40 मिलियन से ज़्यादा आर्टिकल और 299 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल हैं, और जो कि पूरे एक महीने में 500 मिलियन से ज़्यादा लोग विकिपीडिया में विजिट करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। और खास बात यह है कि विकिपीडिया में आपको कोई भी चीज़ कब कैसे कहाँ क्यों सारी की सारी डिटेल बहुत डीपली में मिल जाती है, और इसी वजह से आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों के काम विकिपीडिया के कारण आसान हो गई है। तो क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े सक्सेसफुल विकिपीडिया की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों विकिपीडिया की सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब अमेरिका के इंटरनेट एंटरप्रेनर जिमी वेल्स और अमेरिका के इंटरनेट प्रोजेक्ट डेवलपर लैरी सिंगर ने साथ मिलकर एक नोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया को 9 मार्च 2000 को bomish.com कंपनी के अंदर लॉन्च किया था, जो कि bomish.com कंपनी के फाउंडर जिमी वेल्स थे। और जिमी की bomish.com कंपनी ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट किया करती थी, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया। दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया वो चीज़ होती है जो कि किसी भी चीज़ की नॉलेज या तो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के फॉर्म में प्रोवाइड करती है। ऐसे ही सेम नोपीडिया एक ऑनलाइन साइक्लोपीडिया थी, और जिमी वेल्स और लैरी सिंगर दोनों ने नोपीडिया को अपने ओपन कंटेंट लाइसेंस के अंदर रजिस्टर्ड किया था, और सेंगर और वेल्स ने मिलकर एक और इंसाइक्लोपीडिया को इस्टेब्लिश किया, जो कि उन लोगों ने इसका नाम विकिपीडिया रखा, जो कि विकिपीडिया नाम रखने का पूरा क्रेडिट जाता है लैरी सेंगर को, क्योंकि उन्होंने विकी और इंसाइक्लोपीडिया के वर्ड को ब्लेंड करके, या तो ऐसे कह लीजिए कि विकी और इंसाइक्लोपीडिया के वर्ड को यूज करके विकिपीडिया रखा। और खास बात यह थी कि जिमी वेल्स ने इस विकिपीडिया को पब्लिकल एडिटेबल इंसाइक्लोपीडिया बना दिया, मतलब कि विकिपीडिया में नॉर्मल पब्लिक भी अपने नॉलेज को शेयर कर सकती थी, और साथ ही साथ अगर विकिपीडिया में कुछ गलत इंफॉर्मेशन हो या किसी गलत चीज़ों को रेफरेंस के मदद से एडिट के फॉर्म में सही किया जा सकता था, जो कि ये फीचर उस टाइम बहुत यूनिक फीचर थी। और इसी के साथ जिमी वेल्स और लैरी सिंगर ने विकिपीडिया को इंग्लिश लैंग्वेज एडिशन के साथ 15 जनवरी 2001 को www.wikipedia.com डोमेन नेम के साथ पब्लिकली लॉन्च कर दिया था, और विकिपीडिया अपने फीचर के कारण शुरुआती दिनों से ही लोगों की नज़र में आ गई थी। और हालांकि विकिपीडिया को bomish.com और नुकीपीडिया तो साथ देती थी, लेकिन विकिपीडिया के पब्लिकली एडिटेबल फीचर के कारण लोगों का अटेंशन विकिपीडिया की तरफ बढ़ती जा रही थी। और इसी के साथ साथ विकिपीडिया के लॉन्च होने के 7 महीने के अंदर ही विकिपीडिया में 8,000 आर्टिकल पब्लिश हो गए, और 25 सितंबर 2001 तक 13,000 आर्टिकल पब्लिश हो गए, और साल 2001 के अंत तक करीबन 20,000 आर्टिकल वो भी 26 लैंग्वेज के साथ पब्लिश किए गए थे। और ऐसे ही समय के साथ साथ ये सब आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, और इसी वजह से 2007 में कैम इसको नेटवर्क के अकॉर्डिंग विकिपीडिया US में टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर साइट में आ गई थी, जो कि पूरे 42.9 मिलियन यूनिक यूजर विकिपीडिया में विजिट कर चुके थे। और इसी के साथ विकिपीडिया न्यूयॉर्क टाइम के मैगजीन को और एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनी को अपने पीछे छोड़कर 9वें रैंक पे आ गई थी। और 2015 में विकिपीडिया अपने पॉपुलरिटी के कारण वर्ल्ड के सभी फेमस वेबसाइट को छोड़कर 5th रैंक पे आ गई थी। इसी कारण विकिपीडिया को मोस्ट पॉपुलर जनरल रेफरेंस साइट इन वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है।